हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शिवानीज ड्रीम लाइफ। हो गाइस, आप सब लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। जैसे कि मैं अभी तक आपको बहुत सारे शॉपिंग हॉल्स दिखा रही हूँ, तो उसी तरह से मैंने आज फिर आपके लिए एक और शॉपिंग हॉल लेके आई हूँ। ये मैं थोड़ा सा अपना फर्नीचर का शॉपिंग हॉल लाई हूँ। मैंने कुछ टेबल्स वगैरह और कुछ साइड टेबल्स हैं ये बाय की हुई हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों से बाय किया है। तो यही मैं आपके साथ शेयर करूंगी और शायद होप आपको ये वीडियो भी पसंद आए। तो प्लीज़ पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगर पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करिए एंड डू कमेंट्स ऑल्सो। और फिर हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरा पहला साइड टेबल है, मैंने आपको जो दिख रहा होगा साइड से, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने बाय किया था अमेजोन से और ये कुछ इस तरह वुडन साइड टेबल है ये, और ये कुछ इस तरह से आता है, ऐसे आप देख रहे होंगे। इसको आपको ऐसे ओपन करना होता है, मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये ऐसे ओपन हो जाता है और इसको आप ऐसे करके अपने साइड स्टूल में कहीं भी ऐसे रख सकते हैं। बहुत छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत स्टडी और उसके वुड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा लग रहा है ये। मैंने इस तरह से दो बाय किए हैं, सॉरी मैंने इस तरह से दो बाय किए हुए थे अपने साइड में रखने के लिए बेड के, बट ये बेड से थोड़े से छोटे हो गए तो मैंने बेड के लिए दूसरे बाय किए। इसको मैं अपने एज अ होम डेकोर के लिए साइड में अपने स्टूल्स बेड के कोई भी जगह पर यूज़ कर रही हूँ। और इसका रेट है अराउंड 350 या 370 का मुझे मिला था, और मैं आपको अभी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और रेट साइड में आपको दिखा दूंगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सेम इसी का मैंने दूसरा भी लिया हुआ है, मैं भी आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये भी सेम है, इसकी फिनिशिंग भी अच्छी है, बट वो थोड़ा सा इसमें सिर्फ 2 वुड का यूज़ हुआ है और उसमें 5-6 लाइन से उसमें वुड थे, और साइज सेम है दोनों का और क्वालिटी भी सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग कंपनी के हैं तो इसलिए डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है दोनों का। और ये मुझे ये भी सेम प्राइस में शायद है, मैं आपको अभी बता दूंगी रेट, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने यूज़ के लिए अगर पसंद करते हैं तो आप इसको जाके साइड में देख के और बाय कर सकते हैं। सेम उसी का मैंने थर्ड लिया है, एक और है, ये भी सेम पैटर्न में ही है बट ये राउंड शेप का है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ ऐसा है, आप देख सकते होंगे ये राउंड शेप में है। ये मुझे अराउंड 450 या 499 का पड़ा था, थोड़ा कॉस्टली पड़ गया था, इस सेल में नहीं था, लेकिन अभी शायद ये सस्ता है इस टाइम पर, तो आप इसको जाइए और अगर आपको पसंद आए तो आप देख के बाय कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट आइटम है, आप ये टेबल देख रहे होंगे साइड में, मैं आपको ऐसे कैसे दिखाऊं। ओके सो गाइस, ये है मेरी टेबल, आप देख रहे हो, ये बहुत बड़ी है, बहुत स्टडी है। इसका मैं अभी आपको पिक साइड में प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। इसकी फिनिशिंग में बहुत अच्छी है ऊपर से और बहुत प्यारा इसका क्वालिटी है। नीचे ये इसमें मेटल के रॉड्स दिए हुए हैं, ये देखिए, जी हाँ गाइस, इसमें नीचे ऐसे मेटल का रॉड दिया है। ये मुझे अभी तो इस टाइम पे ये सेल आ गई है तो सस्ती, बट ये मैंने 1 मंथ पहले ली हुई थी, बट मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया हुआ था, तो ये मुझे रिसेंटली जब पड़ी थी तो ये 3000 की पड़ी थी, बट इस टाइम पे अगर आप देखो तो शायद ये 2000 या 2500 कुछ में मिल जाएगी। यही प्रीति वुड करके कुछ उनका नाम है अमेजोन पे, आप चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी तो उससे देख सकते हैं। ये बेसिकली थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि इसका साइज राउंड शेप में है और मेटल है, बहुत लाइट वेटेड है और बहुत स्टडी भी है, आप डेकोरेशन पर्पज के लिए अपने सोफे वगैरह के आगे यूज़ कर सकते हो और ये बहुत प्यारी लगेगी देखने में। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ 1 मंथ से, तो ये बहुत अच्छा इसकी क्वालिटी है और अभी मुझे कोई भी इसमें प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। हाँ बेसिक, बस इसमें आपको थोड़ा सा शाइनिंग की प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें ऊपर शाइनिंग नहीं है, प्रॉपर वुड का है, तो अगर आप चाहो तो उसमें ऊपर से शाइनिंग फिनिशिंग वगैरह पॉलिशिंग करवा सकते हैं, और नहीं तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं ऊपर कवर डाल के। सो गाइस, मेरा नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम है फर्नीचर के, उस पर ये आप रैक देख रहे हो, ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया बट ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, मैं दोनों का ही लिंक आपको दिखा दूंगी, आप ये देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखती है,
इसमें एक ऊपर शेल्फ है, एक नीचे है, एक साइड में है और दोनों नीचे भी दी हुई हैं। और इस ये आप अलग अलग पार्ट में आती है, सॉरी ये अलग अलग पार्ट में आती है, आपको उसको असेंबल करना पड़ता है। ये आपका इंजीनियर वुड पे बेस है और इस साइड में आपको इस तरह से ये हैंडल मिलते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, और इसको आपको असेंबल करना पड़ेगा। मैंने खुद ही असेंबल किया है बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये बहुत ज़्यादा ही स्टडी है, बहुत भारी वेट आपका ये अपने ऊपर रख लेती हैं। मैं इसको अराउंड 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत स्टडी भी है। ये मुझे अराउंड 1500 या 1600 की पड़ी थी और शायद अभी भी इस रेट में है। मैं आपको रेट प्रोवाइड कर दूँगी साइड में, आप देख लेना। सो गाइज, ये था मेरा छोटा सा फर्नीचर बेस पे अमेजोन का शॉपिंग हॉल, और इसमें से ये आइटम जो मैंने आपको दिखाया था ये वाला साइड वाले की फ्लिपकार्ट का है। तो मैंने आपको दोनों के लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, आपको जहाँ से रेंज सही लगे या जहाँ से आपको देखना हो आप देख सकते हो। तो होप गाइज आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड डू कमेंट्स, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और मेरी सारी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। फिर मैं नेक्स्ट टाइम देख के आऊँगी और कोशिश करूँगी आप के साथ अच्छे अच्छे शॉपिंग हॉल्स और अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करूं, और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।